हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के लिए आपको बताने वाला यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट का एक कलेब्रेशन अनाउंस हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आखिरकार यहाँ पे जो पबजी मोबाइल का इंडियन वर्जन आने वाला है, तो आखिरकार यहाँ पे इंडियन वर्जन इंडिया में कौन पब्लिश करने वाला है। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो क्यों ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो में यहाँ पे कुछ भी हेल्पफुल लगे, आपको कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक करके यहाँ पे जरूर जाया करो। तो दोस्तों, आज सुबह आपको मैंने बताया था अपनी जो लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि हमारे पबजी मोबाइल के अनबैन से रिलेटेड थी, कि यहाँ पे हमारे पास जो हमारी पबजी कॉर्पोरेशन है जो फ्यूचर में यहाँ पे December 2, 2020 से यहाँ पे अब जो क्राफ्टन INC के नाम से जानी जाएगी, तो वो जो कंपनी है वो यहाँ पे अपनी कुछ हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है, कुछ कंपनीज होती हैं, तो उनके टच में है कुछ लास्ट के यहाँ पे एक वीक से ही, ताकि वो यहाँ पे अपनी कोई एक डिफरेंट कंपनी को यहाँ पे ढूंढ सके, जो कि अपना यहाँ पे जो इंडिया में जो पबजी मोबाइल बैन हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे उसके गेम्स के जो सर्वर्स हैं उनको होस्ट कर सके। तो इसके बाद दोस्तों, अभी आज ही यहाँ पे कुछ आवर्स पहले यहाँ पे अपनी जो क्राफ्टन INC है हमारी, तो उसने अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे अपनी वो जो होने वाला है, जो कंपनी यहाँ पे होस्ट करेगी गेम को, वो होने वाली है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट Azure। तो काफी टाइम के बाद यहाँ पे तीनों कंपनीज यहाँ पे लाइन में लगी हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट थी, जियो थी, फिर एयरटेल थी, तो ये तीनों कंपनीज थी, लेकिन जिसमें से यहाँ पे क्राफ्टन ने जिसको सेलेक्ट किया वो हमारी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट Azure है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट INC अनाउंस ग्लोबल कलेब्रेशन विद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट Azure। तो काफी मतलब यहाँ पे इन्होंने जो ग्लोबली यहाँ पे लेवल पे ये अनाउंस किया कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्राफ्टन के जो भी गेम्स हो गए, चाहे पबजी हो या फिर पबजी मोबाइल हो या बाकी के और भी कोई गेम्स हो, तो उनके यहाँ पे जो सर्वर्स होस्ट करेगी वो यहाँ पे अपना करने वाली है ये माइक्रोसॉफ्ट Azure। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा सेकंड यहाँ पे पैराग्राफ है उसको अगर आप ध्यान से देखो, आप देख सकते हो विद द प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी बीइंग द टॉप प्रायोरिटी फॉर अ क्राफ्टन, द कंपनी विल बी वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट टू एंश्योर द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन थ्रू Azure। तो मेन इसका देख सकते हो यहाँ पे जैसे इनका जो सेकंड पैराग्राफ होता है, तो वो मेन कंसिडरेशन इनका प्राइवेसी और बाकी हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, जो कि आपको याद हो कि यहाँ पे जब इंडिया में पबजी मोबाइल बैन हुआ था तो कुछ ऐसे रीजंस दिए गए थे, तो इसी को यहाँ पे काउंटर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने जो सर्विस है वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट Azure के साथ देना स्टार्ट करेंगे ये फ्यूचर में। तो इंडिया के सर्वर्स जो होने वाले हैं फाइनली अब डिसाइड हो चुका है कि यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है वो यहाँ पे होस्ट करने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, नीचे यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर में हमारे यहाँ पे जो कुछ ये अपना करने वाले हैं कि जो कलेबरेशन है वो प्राइवेसी राइट्स और बाकी के आपके जो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर है विद बिल फुल कॉम्पिटेंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। तो मतलब ये कि जो कंट्री के लॉज और रेगुलेशन होंगे तो उन्हीं के हिसाब से इनका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क करेगा, उनके जो प्राइवेसी राइट्स है वो सही तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। और नीचे लास्ट में यहाँ पे फ्यूचर में इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ एक डेवलप करने वाले एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो कि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी होगी तो उसको सेफ रखने का यहाँ पे उसकी हेल्प करेगा आपकी। तो मे भी इनको लग रहा है कि यहाँ पे जो पबजी मोबाइल है वो कुछ और कंट्रीज में बैन हो सकता है इसी सिमिलर रीजन के कारण। तो फ्यूचर में जो क्राफ्टन उसकी जो मेन कंपनी है वो यहाँ पे सोच रही है कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, तो ये Azure के साथ मिलकर यहाँ पे अपना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं जो कि आपके यहाँ पे अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है ऑफ द प्लेयर्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में मेंशन है, तो वही यहाँ पे काफी संभाल के रखेंगे ये। और उसके बाद दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे क्राफ्टन यहाँ पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट Azure को यहाँ पे चूज कर लिया कि यहाँ पे उसके जो सर्वर्स हैं वो होस्ट करेगा इंडिया में। तो पहले आपके जो सर्वर्स होते थे वो यहाँ पे जो Tencent होस्ट करता था, उसका जो Tencent क्लाउड था, उनकी जो कंप्यूटिंग सर्विस थी यहाँ पे, तो पहले वो होस्ट करती थी, लेकिन अब से यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट Azure है तो वो होस्ट करने वाला है। तो इससे दोस्तों यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो सकती है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले हमारा जो Tencent क्लाउड यहाँ पे होस्ट करता था गेम को सर्विस, जो गेम की सर्विस थी, और जो Tencent गेम्स था वही गेम का पब्लिशर था जो हमारा ग्लोबल वर्जन था। तो अब यहाँ पे जो इंडियन वर्जन आ रहा है तो उसका यहाँ पे जो पब्लिशर है वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट Azure है, और हो सकता है कि ज्यादातर चांस है कि जो माइक्रोसॉफ्ट गेम्स ही हो तो वो ही यहाँ पे हमारे जो इंडिया का पब्लिशर बन सकता है इंडियन वर्जन का। कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग तो जियो ने यहाँ पे अपना जो अपना स्टेप है वो पीछे ले लिया है, वो नहीं चाह रहा कि यहाँ पे पबजी के मोबाइल के जो राइट्स हैं वो ले, बाकी एयरटेल और जो पेटीएम गेम्स हैं जो कि अभी बने हुए हैं, तो पबजी ने मेरे ख्याल से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ही चूज किया है जो कि यहाँ पे इंडिया में गेम पब्लिश करने वाला है। तो 99 तो जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गेम का पब्लिश होने वाला है वो भी अब यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट है गेम्स वही होगा। तो मैं भी क्या पता दोस्तों यहाँ पे दिवाली के अगले दिन आपको धड़ाधड़ चिकन डिनर करने का मौका मिल जाए, देखेंगे दिवाली पे आखिरकार यहाँ पे क्या होता है। तो ये था आज की वीडियो के लिए, बाकी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको यहाँ पे जो न्यूज है वो क्या लगता है इसके बारे में। तो ये था आज की वीडियो के लिए, बाकी अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन नीचे आप पूछ सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तब तक के लिए गुड बाय।